नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को देश में कोविड 19 टीकाकरण की रफ्तार पर चिंता जताते हुए पार्टी के महासचिवों से वैक्सीन को लेकर झिझक दूर करने की दिशा में काम करने को कहा। बकौल सोनिया गांधी, पार्टी को केंद्रीय सरकार पर इस साल के अंत तक 75% आबादी के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने का दबाव बनाना जारी रखना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में अपना बयान देने के लिए गुजरात के सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ ये मामला 2019 में बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था। पुर्णेश मोदी के अनुसार राहुल ने एक रैली में कहा था कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर एक विशेष रिपोर्ट शेयर कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार को दिया गया विशेष पैकेज। गौरतलब है, जून में 13 बार ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। वह बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक दाम पर बिक रहा है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर किसानों से बातचीत न करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग यहाँ है, ये ट्रैक्टर इसी देश के हैं, अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। बकौल टिकैत, हम 7 महीनों से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, सरकार को शर नहीं है कि वो सुने किसानों को क्या कहना है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बीच कुल्लू के एसपी गौरव सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा कर्मियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाथापाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गौरव सिंह एक सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारते और अन्य सुरक्षाकर्मी उन्हें लात मारता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच का निर्देश दिया है। टाटा मोटर्स के गुंटेर बुश्चेक व्यक्तिगत कारणों से जर्मनी शिफ्ट होने के चलते 30 जून को सीईओ और एमडी का पद छोड़ देंगे। हालांकि वो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। कंपनी के कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट के हेड गिरीश वाघ 1 जुलाई से टाटा मोटर्स के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे। अभिनेता कबीर बेदी ने अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है, हॉलीवुड में काम करते हुए मुझे मेरे बेटे की आत्महत्या और दिवालिया होने का दर्द झेलना पड़ा। किसी सेलिब्रिटी के लिए दिवालिया होना बहुत अपमानजनक होता है। उन्होंने आगे कहा, अपनी युवावस्था में सीखे गए मेडिटेशन ने मुझे लड़ने की ताकत दी। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा के लिए वहां के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को बुलाई गई बैठक उचित पहल है। उन्होंने कहा, आशा है ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी मददगार साबित होगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एलजेपी के नेता चिराग पासवान को राज्य में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, चिराग को तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर विश्वास करने वालों के साथ। आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। बकौल आईएमए, रामदेव का खुलेआम ये कहना कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये दिखाता है कि वो और उनके साथ ही इस देश की कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते। झारखंड सरकार ने कोविड 19 की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश अनुसार इस दौरान सभी निर्देश पूर्व की तरह जारी रहेंगे और कोई अतिरिक्त ढील नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तीसरी लहर की आशंका बरकरार है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा कोविड 19 वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक में 2 अलग अलग वैक्सीन लगवाने पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा है, अब से इस कॉम्बो को मर्केल मिक्स के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि मर्केल ने कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की लगवाने के बाद दूसरी खुराक मॉडर्ना वैक्सीन की लगवाई थी। बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को 2011 में उनके बयान से प्रतिष्ठा की हानि के लिए नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया।
देवेगौड़ा ने एनआईसीई पर सरकारी धन लूटने का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लूट बताया था। बकौल कोर्ट देवेगौड़ा सबूत देने में विफल रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में 16 लाख से अधिक लोगों को कोविड 19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। उनके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 50,72,893 ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। बकौल आतिशी, दिल्ली में 22 जून को वैक्सीन की 84,539 खुराकें लगाई गई। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने देश में सोमवार को रिकॉर्ड 80 लाख कोविड 19 वैक्सीनेशन के बाद मंगलवार को करीब 50 लाख टीके लगाए जाने पर बुधवार को ट्वीट किया। एक दिन के टीकाकरण के विश्व रिकॉर्ड के पीछे यही रहस्य है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, भारत लंगड़ा नहीं रहा बल्कि नागरिकों के बल पर आगे बढ़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि जब हनुमान मारे जा रहे हों तो राम का चुप रहना ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने कहा, एलजेपी के मुश्किल वक्त में बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, हालांकि उनकी चुप्पी ने दुखी किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि बीजेपी विरोधी मोर्चा बिना कांग्रेस के बनाना संभव नहीं, वो ऐसे किसी प्रयास से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल बीते सप्ताह पटोले ने कहा था कि कांग्रेस आगामी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। गौरतलब है महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी जी इसकी पहली कुलपति होंगी। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मल्लेश्वरी से मुलाकात कर यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद राज्य के विशाल जूड नामक एक शख्स की रिहाई के लिए उनसे हस्तक्षेप करने को कहा है। हरियाणा के सूचना विभाग ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया में विशाल ने तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया, उसके समर्थन में वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने एक फर्जी कोविड 19 टीकाकरण केंद्र का भंडाफोड़ किया, जहां खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक शख्स ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। बकौल सांसद, उन्होंने भी वहां वैक्सीन लगवाई लेकिन टीकाकरण का मैसेज न आने पर उन्हें शक हुआ। मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।